हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग डिस्कस सेकंड सीरीज APGP एडिशनल क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 43 बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 42 ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर. टुडे क्वेश्चन नंबर 43. इफ ABCD इन आर इन AP. देखिए हमको ABCDE आर इन AP में दिया हुआ है, आर इन AP में. तो ये ऑप्शन में कौन सा वैल्यू जो है इसको सेटिस्फाई करेगा. तो मान लेते हैं कि क्वेश्चन में ये इसमें ये ऑप्शन सही है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ये सही है, a-b-d+a=0. ये मान लिए कि सही है. तो अगर ये नंबर में इसको टर्म में मेजर कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ये इसको हम नंबर के टर्म में मेजर कर लिए. अब यहाँ पे ए की जगह जो वैल्यू है बी की जगह वो पुट करते हैं. तो ए की जगह 1, बी की जगह 2, डी की जगह 3, 4 प्लस ई कितना है प्लस 5 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा. तो यही ऑप्शन हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 6, 1 - 6 + 5. तो ये 6 - 6 कितना हो जाएगा 0. तो इसलिए ऑप्शन ए जो करा है ना इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो गया. ठीक है, क्योंकि ये 0 = 0 आ गया. उसी तरह क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 44, द थ्री नंबर्स इन AP हुज सम इज 18 एंड प्रोडक्ट इज 192. अब देखिए हमको तीन नंबर का जो है ना सम दिया हुआ है, थ्री नंबर का सम दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है, a1 + a2 + a3 का जो सम दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, और इसी का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, इसी का प्रोडक्ट मुझे दिया हुआ है 192. ठीक है, तो मान लेते हैं कि ऑप्शन ए मेरा सही है, ये ऑप्शन सही है. ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ, 4, 6 और 8. तो AP में पहले तो चेक करेंगे कि AP में है कि नहीं. ठीक है, तो देखिए AP में यह है क्योंकि दो का डिफरेंस है. ठीक है, तो AP में एक कंडीशन सेटिस्फाई कर गया. उसका देखिए प्लस ये कितना हो जाए 18, ये भी 18 सेटिस्फाई कर गया. अब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी AP में होना चाहिए. 4 × 6 × 8 ये भी 192 हो गया. तो मतलब ये जो है 192 ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया. उसी तरह क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं. 45 में करा है द थ्री नंबर्स इन AP हुज सम इज 27. सम दिया हुआ है कितना है 27. उसका सम का स्क्वायर जो दिया हुआ है, सम का स्क्वायर जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 341 दिया हुआ है. तो वह नंबर मुझे निकालना है. तो मान लेते हैं कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए में सही है. तो 44 में क्या दिया हुआ है आपका 2, 9 और 16. तो पहले ये चेक कीजिए कि AP में है कि नहीं. तो ये 7 का डिफरेंस और ये भी 7 का डिफरेंस है ना, तो ये AP में है, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया. उसके बाद सम देखिए, सम कितना हो जाएगा, ये भी सम हो जाएगा 27, ये भी हो गया. ठीक है, दो कंडीशन. उसके बाद सम का स्क्वायर करके देखिए, देखिए 2 का स्क्वायर 4 + 9 का स्क्वायर 81 + 2 56. इस सब को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 341. तो ये ऑप्शन मेरा ये सेटिस्फाई कर गया. उसी तरह बी ऑप्शन भी इसका सेटिस्फाई कर लेगा. उसी तरह बी वाला ऑप्शन से करते हैं. तो बी वाला में क्या कर रहा है, 45 में 16, 9, 2 ये मुझे दिया है 16, 9, 2. अगर इसका रिवर्स दिया तो सेम एज इट इज होगा, तो बी भी इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये AP में है, ये भी सेटिस्फाई कर गया. सम जो है इसका सम क्या हो जाएगा, ये भी 27, ये भी सेटिस्फाई करेगा. इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी 41 होगा. तो इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों आंसर हो जाएगा. उसी तरह क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं. 46 में कह रहा है द फोर नंबर्स इन AP हुज सम इज 24. द प्रोडक्ट इतना, सम जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, सम मुझे दिया हुआ है 24 और प्रोडक्ट क्या दिया हुआ, प्रोडक्ट दिया हुआ मुझे कितना 945. ठीक है, तो वो नंबर तो मान लेते हैं कि ऑप्शन ए सही है. ऑप्शन से बहुत जल्दी निकल जाता है आंसर. तो 46 में दिया हुआ है 3579. ठीक है, तो पहले ये चेक कीजिए कि AP में है कि नहीं. तो ये है
डिफरेंस 2 है तो ये भी एपी में है, सेटिस्फाई कर गया। सम देखिए तो ये 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, इसका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और ये हो गया आपका ये, तो ये भी 24 हो गया, ये भी सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, उसी तरह फिर इसका प्रोडक्ट करिए तो 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, तो ये भी क्या हो जाएगा 945 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द फोर नंबर्स इन एपी हुज सम इज 20 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 120। हमको सम जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, और स्क्वायर का जो सम क्या दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। तो वन नंबर मान लेते कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है, तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है 3 5 7 9, तो ये तो एपी में है, डिफरेंस सबका सेम है, तो एपी में एक कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। उसके बाद इसका सम देखिए तो 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, इसका सम हो जाएगा 8 और ये 7 15, और ये तो ये 20 जो है इसका नहीं हुआ, तो इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी में देख करते हैं। तो बी में क्या दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है 2 4 6 8, तो ये तो डिफरेंस 2 है, तो ये एपी में हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई करिए। सम देखिए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, तो ये क्या हो जाएगा 20, ये कंडीशन सेटिस्फाई है। अब स्क्वायर का सम तो 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस 64, तो ये सब का सम करेंगे तो 20, और ये हो जाएगा आपका 56 56, ये हो जाएगा ये 60, तो ये आपका 120 हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। 48 में करा है द फाइव नंबर्स इन एपी विथ, 48 में दे रहा है द फोर नंबर्स इन एपी विथ द सम ऑफ सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर बिगिन 22 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ बीइंग 85 आर। अब देखिए फोर नंबर एपी में जिसका सम सेकेंड एंड थर्ड का जो है ना 22 है, तो इसको भी ऑप्शन से कर लेंगे, इसको भी ऑप्शन से कर लेते हैं। तो ऑप्शन मान लेते ये सही है, तो 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, और हमने इसमें बोल रहा है कि सेकेंड और थर्ड का जो सम जो दिया हुआ है, सेकेंड एंड थर्ड का सम, सेकेंड एंड थर्ड का सम, ये और ये इसका सम क्या देना चाहिए, इसका 5 प्लस 7, सम जो दिया हुआ है कितना, थर्ड एंड सेकेंड का सम 22 आना चाहिए, ये तो नहीं आया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये 22 के बराबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऑप्शन बी चेक करते हैं, ऑप्शन बी चेक करते हैं, बी में देखते हैं, बी में दिया हुआ है 2 4 6 8, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 22 के बराबर नहीं होगा, 10 होगा, ये 22 के बराबर नहीं होगा। सी चेक करते हैं, सी में देखिए 5 9 13 17, इसको प्लस कीजिए, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसको 9 और 13 प्लस करेंगे तो ये 22 हो गया, ये सेटिस्फाई कर गया। उसके बाद फिर बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ, इसका फर्स्ट का प्रोडक्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट फोर्थ का 17 होना चाहिए, कितना 85 85, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसी तरह 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 में दे रहा है द फाइव नंबर्स एपी विद देयर सम 25 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स 135 आर। फाइव नंबर एपी में है जिसका सम दिया हुआ है मुझे, कितना दिया हुआ है 25, और स्क्वायर का जो सम दिया हुआ है, स्क्वायर का सम दिया हुआ है 135। ऑप्शन ए मान लेते हैं सही है,
ये ऑप्शन मान लेते हैं 3, 4, 5, 6, 7, तो ईएपी में ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। सम देखिए, 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ये कितना हो जाएगा, 3 + 7 7 और 7 ये हो जाएगा आपका 7 7 14 14 26 5 25। हाँ ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अब स्क्वायर 9 + 16 + 25 + 36 + 49, तो इस सबको हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 + 16 + 25 + 36 + 49, तो ये 135 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि द फाइव नंबर्स इन एपी विथ द सम 20 प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट का दिया हुआ है। सम जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 20, सम जो दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, और फर्स्ट एंड लास्ट का जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 15 दिया हुआ है प्रोडक्ट। तो ऑप्शन ए मान लेते कि सही है, 3, 4, 5, 6, 7 एपी में ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, अब प्लस करते हैं तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, अभी 3 + 4 + 1 + 25 25 हुआ था, तो 20 कैसे होगा, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी चेक करते हैं, ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 3, 3.5, 4, 4.5 और ये 5 ये दिया हुआ है। तो हमको दे रहा है फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट जो है 15 होना चाहिए, इसका प्रोडक्ट इसमें नहीं हुआ था ना, तो इसका प्रोडक्ट इसका 3 × 5 फर्स्ट एंड लास्ट का 15 हो रहा है 5 15, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, प्रोडक्ट वाला, लेकिन सम भी देखिए, तो इसको सम भी करेंगे तो क्या आना चाहिए, सम करने पर 20, तो 20 आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ एन टर्म्स 2, 4, 6, 8 हमको दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 इसका सम निकालना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे दो टर्म को प्लस कर लेते हैं, दो टर्म को यहाँ पे प्लस किए तो कितना हो गया, दो टर्म को प्लस करने के बाद 6, तो दो टर्म है ना, तो हम एन की जगह हम दो कर लेते हैं, एन की जगह पुट दो कर लेते हैं, तो एन इंटू एन प्लस वन दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, तो एन की जगह दो, तो दो और ये दो और तीन तीन, तो ये कितना हो जाएगा 6, तो 6 बराबर ये 6 और ये 6 आ गया, इसलिए ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर गया। चले क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए प्लस बी 2a 3a - b ये हमको सम इसका दिया हुआ है, सम ऑफ एन टर्म्स पूछ रहा है, तो ये वाला जब दिया है ए प्लस बी, ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है 2a, फिर उसके बाद 3a - b, अब हमको सम ऑफ एन टर्म्स, तो यहाँ पे दो टर्म को हम ऐड कर लेते हैं, दो टर्म को ऐड करते हैं, ये और इसको ऐड करेंगे तो ए प्लस बी इसको भी ऐड कर लेंगे प्लस 2a, ये कितना हो जाएगा 2a 3a + b, हमको ये आ गया 2a + 3a, तो दो टर्म को ऐड किए ना, तो हम ऑप्शन में क्या करेंगे, ऑप्शन में पुट करेंगे n इक्वल्स टू 2 और ये वैल्यू आ जाएगा, तो वही ऑप्शन हो जाएगा। तो हम दो टर्म को ऐड किया तो n जगह 2, तो ऑप्शन ए मान लेते कि सही है, तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है n इंटू ए माइनस बी फिर उसके बाद प्लस 2b, अब n की जगह 2 रखना है तो 2a - b + 2b, तो क्या हो जाएगा 2a - 2b + 2b, ये 2b और टी बी तो कट गया, 2b और 2b तो कट गया, तो ये तो अब नहीं हुआ सेटिस्फाई, इसलिए ऑप्शन ए जो है मेरा नहीं हुआ, गलत हो गया। बी ऑप्शन देखते हैं, बी वाला ऑप्शन देखते हैं, बी में दिया हुआ है एन इंटू ए प्लस बी, दो यहाँ पर रखना है तो 2 × a + b, ये क्या हो जाएगा 2a + 2b, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो गया ये, क्योंकि हमको लाना है कितना, ये 3ab, तो ये भी गलत हो गया। सी वाला ऑप्शन चेक करते हैं, सी वाला, सी में क्या दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है बोथ ए बी, नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन इसका
डी आंसर हो जाएगा, सी में तो दिया ही नहीं, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 में बोल रहा है कि द सम ऑफ एन टर्म्स एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ये मुझे 53 में दिया हुआ है। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर दे रहा है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। फिर उसी तरह हम क्या करेंगे, इस दो टर्म को हम ऐड करेंगे, इस वाले इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको फॉर्मूला हो जाता है ये प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x2x स्क्वायर प्लस ये 2xy है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले वाई स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, हमको यहाँ पे ये आना चाहिए, तो अब ऑप्शन में क्या टू पुट करेंगे, ऑप्शन में क्या पुट करेंगे, टू एन की जगह टू, तो हमको ये आना चाहिए, तो ऑप्शन ए मान लेते हैं कि सही है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2n-1 xy। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करते हैं, टू पुट करते हैं, तो एन की जगह टू, एन की जगह टू, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, ये तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 में से 1 गया तो ये क्या हो जाएगा 1, तो 2 हो गया, तो ये कहाँ ऑप्शन होगा, तो इसलिए ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी वाला चेक करते हैं। ऑप्शन बी में दे रहा है ए इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एन इंटू एन माइनस 1xy, ये दिया हुआ, एन की जगह 2 पुट करना है, तो ये 2 हो जाएगा, और एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 में से 1 गया तो ये 1 ही हो जाएगा और xy। ठीक है, अब इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसका हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, अब 2 है ना, तो 2 2 जाए 4 हो जाएगा, 4xy प्लस ये क्या हो जाएगा 2x2y स्क्वायर, इसको जब करेंगे उसके बाद माइनस 2xy, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2xy, ये 2xy कटेगा तो क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा मेरा प्लस प्लस हो जाएगा ये 2xy। अब देखिए ये वाला ये तो कट ही गया, ये इसके बराबर सेटिस्फाई कर गया, इसलिए ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 54 देखते हैं, 54 देखते हैं, 54 में करा है कि सम ऑफ एन टर्म्स वन बाई एन, ठीक है, उसके बाद एन माइनस वन, वन बाई एन, ठीक है, यहाँ तक है उसका 1/n, ठीक है, n माइनस 2, उसके बाद दिया हुआ 1/n n माइनस 3। ठीक है, हम भी इसमें क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस इसमें भी करेंगे, इसमें भी n की जगह क्या करेंगे 2 पुट करेंगे, और ऑप्शन में भी 2 पुट करेंगे, तो आप यहीं पे क्या कर लीजिए कि ऑप्शन में भी 2 पुट, उसके लिए n की जगह यहाँ पे 2 पुट कर लेते हैं, यहाँ पर हम एन की जगह 2 पुट कर लेते हैं और ऑप्शन में भी जो 2 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे एन की जगह 2 रख लिए, ठीक है, तो ऑप्शन ए में भी हम क्या रखेंगे, एन की जगह 2 पुट करेंगे, एन की जगह भी 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए तो 1/2 इंटू 2 में से 1 गया 1, तो 1 तो क्या हो जाएगा 1/2, और फिर ऑप्शन ए मान लेते हैं कि सही है, तो ऑप्शन ए में क्या कर लेते हैं, ऑप्शन ए में भी ए में क्या करते हैं, एन की जगह 2 पुट करेंगे,
क्या दिया हुआ है इनमें 54 में, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि जीरो है, है ना। बी वाला ऑप्शन देखिए, ये तो होगा नहीं, बी वाला, बी में 1/2 और एन माइनस वन दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, तो 1/2 और एन माइनस वन, एन की जगह 2 तो 1, तो इसलिए 1, तो ये 1/2 और ये 1/2 सेटिस्फाई कर गया, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ, ये दिया है 1.4, 3.7, 5.10, ये पॉइंट में नहीं दिया हुआ, ये इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1.4 में दिया हुआ है ना, 1.4, फिर उसके बाद दिया है 3.7, उसके बाद फिर दिया है 5.10, ये मल्टीप्लाई करने वाला है, ये डॉट है, डॉट प्रोडक्ट कीजिए इसको, तो 4 इज 21, ये 50, अब फिर इसमें क्या करेंगे, ये दो टर्म को ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 4 + 21 = 25, तो एन की जगह पुट करेंगे, एन की जगह 2, ठीक है ऑप्शन में, तो मान लेते हैं कि ऑप्शन ए सही है, तो ऑप्शन ए में 2 रखेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए 25, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है एन बाई टू, फिर दिया हुआ है 4n² + 5n - 1, तो यहाँ पे 2/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा, 2 और 2 1 हो जाएगा, तो ये 4 4, ये क्या हो जाएगा 4 2 2 4 16, क्या हो जाएगा 16 प्लस, ये क्या हो जाएगा 10 10, में से 1 गया 9 9, तो ये हो जाएगा 25, तो ये जो 25 और ये 25 आया था, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 में कह रहा था सम ऑफ एन टर्म्स, ये दिया हुआ है 1² + 3² + में नहीं है, ये ऐसे दिया है 1² फिर 1² 3² 5² 7² तो इसको क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो 1² 1 + 3² 3 9, दोनों टर्म को ऐड कर लिए, क्या हो जाएगा 10, हम एन ऑप्शन में क्या करेंगे, एन की जगह 2 पुट कर लेंगे, तो ऑप्शन ये मान लेते कि सही है, ऑप्शन ए क्या है, ये दिया हुआ है n/3, ठीक है, और दिया मुझे 4n² - 1, यही दिया, तो n 2/3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2/3 × 4 और 2, तो 2² 4 4 4 16 - 1 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 5 2 10, तो ये क्या हुआ 10 जो है, ये 10 और ये 10 आ गया, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए इसको देखिए और एंजॉय कीजिए। हाँ, इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि जब वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।